Hi guys, welcome back to Kim's Says Possible. This is me, Kirti, and today's video is very exciting. It is a makeup tutorial but without using any foundation. So this is using just a BB cream, to be specific, Pond's BB cream. It is Pond's White Beauty BB cream. तो आज हम सिर्फ इसे use करके हमारा base makeup का करने वाले हैं. वैसे तो base में बहुत सारी चीज़ें आती है जैसे primer, foundation, concealer, a lot of things. But हम लोग वो सब skip करके बस एक ही चीज़ use करने वाले हैं. Obviously इतना कवरेज नहीं मिलेगा, sheer कवरेज मिलेगा, बट वैसे अगर हम आपको उसको बिल्ड कैसे कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप अमेजोन से इसे खरीद सकते हैं. Before we get into the makeup tutorial, make sure you subscribe to my channel. अगर आप यहाँ पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. बाजू की जो घंटी है उसे बजाना भी मत भूलिए. वीडियो पूरा देखिए. अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिए. हमेशा मेकअप से पहले CTM करना और लिप्स को भी मॉइस्चराइज करना और लिप बाम लगा के. यहाँ पे मैंने पॉन्स का बीबी क्रीम यूज़ किया है इन शेड 01. CTM के बारे में आपको जानकारी ना हो तो CTM बेनिफिट्स किम सेज इज पॉसिबल यूट्यूब पे टाइप करना, वहाँ पे आप जानकारी चेकआउट कर सकते हैं. तो ये ब्लेंड करने के लिए प्रोडक्ट और लगाने के लिए आप कोई भी ब्रश या स्पॉन्ज यूज़ कर सकते हैं. मैंने लगभग इतना प्रोडक्ट लिया है, लेट्स सी ये इनफ होता है कि नहीं. लेकिन मैं सिर्फ फिंगर्स से इसे ब्लेंड करने वाली हूँ. इस तरीके से इसे मैं डॉट्स लगाऊंगी पूरे चेहरे पे और नेक पे और इसे डैबिंग मोशन में फिर ब्लेंड कर दूंगी. मैं थोड़ा और ले रही हूँ प्रोडक्ट और वापस इसे डॉट्स लगाऊंगी. और पॉन्स बीबी क्रीम में हमारे पास दो शेड्स अवेलेबल हैं. जो उनका फर्स्ट शेड है वो है ओरिजिनल, दैट इज 01, एंड उनका जो नया शेड उन्होंने लॉन्च किया है विच इज 02, विच इज मीडियम शेड. ये जो शेड्स हैं मेरे पास दोनों ही अवेलेबल है. तो बेसिकली जो ओरिजिनल शेड है वो लाइक फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए है, और जो मीडियम वाला उनका 02 है वो मीडियम टू डीप स्किन टोन्स या वार्म स्किन टोन्स के लिए है. एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड विद SPF 30 PA++. इसका पूरा रिव्यू भी मैं आपको दे सकती हूँ इन प्रोडक्ट्स का. प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली डू इट फॉर यू. एक बार आपका बेबी क्रीम अच्छी तरह से पूरे चेहरे पे ब्लेंड हो जाए तो उसके बाद हमें कंसीलर तो नहीं यूज़ करना, तो हम बेबी क्रीम को ही एज अ कंसीलर यूज़ करेंगे. जहाँ भी आपको ज़रूरत है, ब्लेमिशेस है, दाग धब्बे है अंडर आइज के पास, जहाँ भी आपको ज़रूरत है वहाँ पे इसे आप री अप्लाई करेंगे या बिल्डअप करेंगे या लेयर करेंगे और इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर देंगे. ये बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड होता है, इसका टेक्स्चर भी बहुत अच्छा है, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट एंड इट्स ग्रेट फॉर एवरीडे यूज. अभी इसे सेट करने के लिए कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर आप अंडर योर आईज और जहाँ भी आपका क्रीज होने का ज़्यादा चांसेस है, ऑयल सीक्रीशन अगर आपको होता है तो उस एरिया में टी सेक्शन में मैं लगा रही हूँ. आप इसे लगा के इसे 2 या 5 मिनट तक रखें. तब तक हम लोग आई मेकअप कर लेते हैं. मैंने यहाँ पे VOV का आईब्रो किट यूज़ किया है. पहले मैं अपने आईब्रोज को आउटलाइन करूँगी और उसे फिल करूँगी. आई शेडो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये पिंक लिपस्टिक. आप भी कोई भी पिंक लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं. इसे लाइनर की तरह, विंग लाइनर की तरह हम दोनों आपको पे लगा के लेंगे. मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि मेकअप में आप नई नई चीज़ एक्सपेरिमेंट कीजिए, ट्राई कीजिए. ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं लिपस्टिक को यूज़ कर रही हूँ आई शेडो के लिए. आप भी ऐसे नई नई चीज़ें ट्राई कीजिए. हाँ, लेकिन कोई स्पेशल ओकेजन है या बाहर जाना है तभी मत ट्राई करना, नहीं तो यू नो प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ गड़बड़ हो गई तो. आपका क्लीन फिंगर से आपको इस तरीके से आपको इसे अंदर की तरफ स्प्रेड करना है और आपकी आईलिड पे वो कलर लाना है. इस तरीके से इसे स्प्रेड करना है. नाउ आपको क्या करना है कि कोई भी लाइट ब्राउन कलर लेना है आपको
और एक फ्लफ़ी ब्रश के हेल्प से इसे आपको अपने क्रीज पे लगाना है, और इससे आपके आईज़ को डेप्थ भी मिलेगा और आपका जो क्रीम लिपस्टिक है उसे थोड़ा होल्ड भी करेगा ये, और स्प्रेड होने से बचाएगा। नाउ गो अहेड विद योर फेवरेट आईलाइनर। मैंने यहाँ पे मेबलिन का कोलोसल आईलाइनर लिया है। आपको चाहिए तो विंग लाइनर लगाइए, वट एवर यू लाइक, थिक लगाइए, थिन लगाइए, जो भी आपको सूट करता है, जो भी आपको पसंद है, उस तरीके से आप ई लाइनर को लगा सकते हैं। सो अभी ऑलमोस्ट आई मेकअप हो गया है, तो जो हमने पाउडर लगाया था वो एक फ्लफी ब्रश से थोड़ा हल्के हाथ से इसे डस्ट ऑफ कर दीजिए, भूलिएगा मत निकालना इसे। If you are काजल fan, go ahead and add some काजल। अगर आपको काजल अच्छा नहीं लगता तो इसे आप skip कर सकते हैं। और एक बात मैं share करना चाहती थी आपसे कि ऐसे एक myth है कि बहुत सारे products होने चाहिए तभी जाके makeup आपका अच्छा लगता है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। यही मुझे आज की वीडियो में दिखाना था कि आप जितना भी आपके पास products है उससे भी आप बहुत अच्छा makeup कर सकते हैं। So here we are practically done with the simple makeup look I wanted to show, but कुछ स्पेशल ओकेजन है कॉलेज ऑफिस में या लाइफ में इन जनरल, तो कोई भी हाइलाइटर लीजिए, कोई भी शिमरी या ग्लिटर शेड लीजिए, उससे अपने इनर कॉर्नर्स हाईलाइट कीजिए, ब्रा बोन हाईलाइट कीजिए, और यही सेम डेली लुक को आप थोड़ा स्पेशल बना सकते हैं। सेम हाइलाइटर या शिमरी कलर आप लेके अपने आई लिड पे भी लगा सकते हैं टू एड सम ग्लैम टू योर मेकअप लुक। जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे डोंट फॉरगेट टू जस्ट ब्लेंड एवरीथिंग नाइसली, दैट इज़ द मेन थिंग इन द मेकअप। अभी ये एक्चुअली एक कॉन्ट्रोर पैलेट है सिवियाना का, जिसमें से पिंकिश शेड है उसको मैं एज अ ब्लश यूज़ कर रही हूँ। इसमें थोड़ा ग्लिटर है तो चीक बोन्स पे मैं अलग से हाईलाइटर नहीं लगाऊंगी चीक पे, थोड़ा हाईलाइटर मैं अपनी नोज पे और क्यूपिड बो पे लगा रही हूँ। आपको जहाँ भी हाईलाइट करना है वो आप कर सकते हैं जहाँ भी आपको पसंद है। एंड फॉर योर लैशेस यू कैन यूज़ मस्कारा, योर आई एम यूजिंग मेबलिन न्यूयॉर्क्स हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा। फॉर माई लिप्स आई एम यूजिंग बेला वॉस्टिस मैट लिपस्टिक इन शेड 03 नेकेड, इट्स लवली कलर। लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूले कि आपको ये वीडियो कैसे लगा और कौन से वीडियोज है जो आप देखना पसंद करेंगे। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने नीचे दिया है। सो विद दैट आई विल टेक योर लीव, टेक केयर, बाय।